हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा मास्किंग टेप है। ये एशियन कंपनी का मास्किंग टेप मिलता है और ये गुरमाला है। ये गुरमाला हमारी फाइबर शीट की है। दोस्तों, इस गुरमाला से हमने डिज़ाइन नहीं निकाला है, बस इसका सिर्फ साइज लिया है। तो ये 11 इंच की हमारी गुरमाला है और हमने जो टेप जो लगाया, जो पट्टियाँ बनाई हैं, वो 11-11 इंच की बनाई हैं। दोस्तों, 11-11 इंच की जो बनाई है, वो आपको मैं बताऊं किस तरह से हमने 11-11 इंच नापा है। दीवार की चारों तरफ हमने 11-11 इंच नापा है, यानी लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ 11-11 इंच नापकर, और ये पट्टियाँ हमने तिरछी लगाई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। टेप से मास्किंग टेप है दोस्तों, और अंदर का जो बेस आप देख रहे हो दोस्तों, वो टेक्चर का बेस है। वो मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, टेक्चर का हमेशा टेक्चर जो बनता है वो रॉयल प्ले में ही बनता है, अगर नीचे का अंदर का जो बनाते हैं हम। लेकिन मैंने कोई एक तकनीक निकाली थी जिससे कि मैं अभी उसमें कामयाब नहीं हो पाया ठीक से। थोड़ा हुआ था अभी, पर पूरी तरह से नहीं हो पाया हूँ मैं। उसमें क्या है कि दूसरा पैंट यूज़ करना पड़ता है, तो हमारा जो टेक्चर का माल मटेरियल है वो ज़रूरी नहीं है टेक्चर का लगाना। तो वो अभी थोड़ा वक्त है, तो वो हमारा सैंपल सही से पास नहीं हुआ, तो इस करके वो नीचे का जो बेस है हमारा, जिसके ऊपर हमने टैप लगाया, वो इसी करके आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हमने फिर टैप लगा के ये डिज़ाइन निकाला है। दोस्तों, ये हमारी पुट्टी है, टाइगर कोट वाल पुट्टी। आपका जैके वाल पुट्टी हो उससे भी आप निकाल सकते हो, जैके वाल पुट्टी से, या विल्ला वाल पुट्टी से, या फिर आप एशियन वाल पुट्टी होती है उससे भी, और टाइगर कोट वाल पुट्टी है, इससे भी ये डिज़ाइन निकाल सकते हो। चारों के मैंने आपको नाम बता दिए, और पांचवे का मैं बताऊं आपको, एक सुपर फाइन आता है, तो आप सुपर फाइन से भी निकाल सकते हो। सुपर फाइन बनी हुई पुट्टी आती है लिक्विड, वो टेक्सचर की स्पेशल पुट्टी होती है। और एक होती है एक्रेलिक पुट्टी, तो दोस्तों एक्रेलिक पुट्टी से मत निकालना, उससे नहीं निकलेगा आपका ये, क्योंकि वो चटक जाती है मोटी अगर लगाते हैं, और ये चटकती नहीं है। ये आप कितनी भी मोटी लगा सकते हो, सुपर फाइन है। और ये तो दोस्तों, ये हाथ से हमने पहले लेप हाथ से लगाया, उसके बाद गुरमाला से इसको इकसार किया। गुरमाला आप लोहे वाली भी गुरमाला ले सकते हो, या ये फाइबर शीट वाली, जो आपको ये वाली गुरमाला मैंने शुरू में इससे चारों तरफ निशान लगवाए थे नाप के। तो मैं बताऊँ, इसमें निशान जो लगाए 9-9 इंची के लगाए थे हमने, तो ये हमारी फाइबर शीट है जिससे कि हम रस्टिक करते हैं, फाइबर गुरमाला, प्लास्टिक गुरमाला ही बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये स्पॉन्ज है, जैसे कि आपने देखा था पीछे, ये स्पॉन्ज है सोपो वाली, सोपे हो गए, गद्दे हो गए, इसमें स्पॉन्ज होती है, ये वो स्पॉन्ज है। और इससे हमने क्या किया है कि जैसे हम कलर वास बनाते हैं रॉयल प्ले में, जो कलर वास बनाते हैं, उस तरह से हमने इसका डिज़ाइन निकाला है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। और आप दोस्तों, ये हाथ आप मेरा इस तरह से देख लो, किस तरह से मैंने इसको चलाया है हाथ, और उसी तरह से आपको चलाना होगा, तभी ये आपका डिज़ाइन निकलेगा। दोस्तों, जहाँ पे आप चलाते हो उस जगह पे, मतलब जैसे कहते हैं हम, जैसे मकान बनाते हैं तो ईंट के ऊपर अगर ईंट अगर आती है तो दराज खिल जाती है, तो वो मकान का मजबूती नहीं रहती। वैसे इसकी मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ आपको, जैसे कि हम गुरमाला घुमाते हैं, वो सॉरी गुरमाला नहीं, स्पॉन्ज घुमाते हैं, तो उसको हमने चाल काटनी पड़ती है उसकी। जब चाल हम काटेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। दोस्तों, ये हमारा मास्किंग टेप है, तो मास्किंग टेप ये निकल चुका है हमारा, और दीवार हमारी इस तरह की बन चुकी है। दोस्तों, अभी आपको साफ साफ दिख गई है दीवार। अब इस पर हम बेस कोट मारने जा रहे हैं एपेक्स का। दोस्तों, बेस कोट जो ऊपर का जो बेस कोट है, आप एपेक्स में भी मार सकते हो, टेक्ट्रेमल्सन में भी मार सकते हो, रॉयल में भी मार सकते हो, इसमें कोई बड़ी मतलब बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों। और ये एपेक्स है हमारा, नंबर आपने देख ही लिया है, 5233 इसका नंबर है, 5233 5233। और दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसको दोस्तों आप ध्यान से देखना, और थोड़ा ध्यान से देखने के बाद जो जो मैंने आपको बताया है वो भी आप
समझ गए होगे कि मैं किस किस तरह से किस कटघरे पे आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों जो बेस कोट है हमारा, उसमें हमने पानी कितना डाला लीटर में, उसमें हम 600 ग्राम पानी डाल सकते हैं एक लीटर में। 600 ग्राम डाल के या 500 ग्राम डाल के आप कोट लगा सकते हो। दोस्तों दो कोट लगाने होते हैं इसमें, चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप तीन कोट भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है फिनिशिंग दो कोटों में नहीं आई है तो तीन कोट लगा सकते हैं। दोस्तों जब टेक्सचर आपका सूख जाता है तभी आपने मतलब कोट लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है। और टेक्सचर के ऊपर कोई रेगमाल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, जैसा है वैसे ही इसको रखना है। रेगमाल तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, ये हमारा कॉपर है, BSC कंपनी का कॉपर है। एशियन कंपनी का भी हमारा कॉपर मिल जाता है, BSC कंपनी का भी कॉपर है, और सनर्जी कंपनी का भी हमें कॉपर मिल जाता है। तो दोस्तों ये BSC का है, ये हम पानी मिला रहे हैं। ये डब्बा कुछ दुकानदार ने हमें काफ़ी पुराना दे दिया, तो ये डब्बा कुछ माल इसका जम गया, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें, ये घिसना पड़ा, हो तो ठीक गया, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी थी इसमें। और ये है हमारा स्पंज रूलर, इस तरह का ये स्पंज रूलर है, और आप इसे देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको फिट किया है। तो दोस्तों क्या करना है, आपने अच्छी तरह से इस रूलर को भर लेना है, और भरने के बाद हल्के हाथ से आपने, ज़्यादा दबा के नहीं मारना, हल्के हाथ से ही मारना होता है। ये देखिए माल हमने इसमें अच्छी तरह से भर लिया है, और उसको हम हल्के हाथ से चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों कहीं पे जगह खाली रहती है तो कहीं पे छूट जाती है, तो उसको बाद में भी आप टचिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पे हमें फिनिशिंग सही नहीं आई है तो आप टचिंग कर सकते हो। तो ये हमारा जो टॉप कोट है वो लग रहा है, और हम टॉप कोट को लगा रहे हैं इस तरह से स्पंज वाले रूलर से। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस क्या है कि आपको एक बार अपना हाथ जो है सेट करना होता है, और हाथ जब ही सेट होगा, जबकि आप दिल से काम करोगे और दिल से लगा के काम, मतलब दिल लगा के काम करोगे, जब आपका आप खुद ही हाथ सेट हो जाएगा, और आप खुद मतलब डिजाइन बनाने लगोगे, और अच्छा डिजाइन खुद एक कारीगर बन जाओगे, अच्छा डिजाइन आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा बनाना। और दोस्तों जैसे कि अगर आपको, जैसे हमारा कुछ हमारे काम कराने वाले होते हैं कहीं पे, वो अपने घर में काम कराना चाहते हैं, तो वो काम करा सकते हैं, हमें ऑर्डर करा दे सकते हैं नए मकान का। तो हम PU पॉलिश हो गई आपकी, PU फाल सीलिंग और कारपेंटर का, और पेंटिंग का जो पेंटिंग डिजाइन है, और नॉर्मल पेंटिंग जो होती है हमारी एक्सटीरियर इंटीरियर, वो सब हम करते हैं। तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप ऑर्डर करा सकते हो। बात करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, और आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, और अपना आप ऑर्डर दे सकते हो। और जो हमारे पेंटर भाई हैं उनसे भी यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर उन्हें कुछ अगर पूछना है तो वो मेरे को कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। ये वक्त है आप सबसे बात करने का। और दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इस पे पूरी दीवार पे कोटिंग मार दिया है कॉपर का, और स्पॉन्ज रूलर से मारा है। दोस्तों चाहो तो आप इस पे दो कलर भी दे सकते हो, मैंने तो सिंगल ही कलर दिया था, और सिंगल ही कलर में मेरी दीवार बहुत शानदार निकली। और ये दीवार दोस्तों मेरी 100 फिट की दीवार है, 105 फिट दीवार है ये पूरी। और दोस्तों इस दीवार पे आपको कोई जोड़ नहीं आएगा, जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। पर जो आपकी जो पुट्टी है उसको अच्छी तरह से आपको घोटना पड़ेगा, अच्छी तरह से जैसे आप घोटोगे उसमें रोड़ियाँ नहीं रहनी चाहिए, और आप आराम के साथ डिजाइन निकाल सकते हो, कोई जोड़ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपका दीवार पूरी बन जाए तो आप टैप निकाल देना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरह की लगी, तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताना।
और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और मेरा समझाना अच्छा लगा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, और दोस्तों उस चैनल को लाइक भी ज़रूर करना।